का भी है, अगर हमारा है कई चीजें हैं तो उसके लिए अलग जो टिकट रह रहे हैं उसमें भी कम से कम 400 बैठने की व्यवस्था होगी। हम लोग ट्रेन के पास रफली एरिया होता है 8 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर काम करता है। अभी हमने एक सिस्टम शुरू किया पूरे नॉर्थ इंडिया, हमारे जो जूनियर काम चलाए ना बहुत ज्यादा गाड़ियाँ फॉग में लूज भी ना। ये तो बात लोको पायलट की हुई, लेकिन जो आपका क्लास 4 इम्प्लॉय ट्रैकमैन वो रन ओवर जो को जाता है उसकी बात कर रहे थे। रन ओवर एक हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्टियां हुई है, जब आदमी ट्रैक पे जा रहा है तो उसको देखना है कि अगर ट्रेन सामने जा रही है तो उसमें साइड को उतरना है, सेट साइड, ये पहला पॉइंट होता है। कई बार क्या होता है गलती से ट्रैक पर ये क्या कुंभ के पहले ऐसा कुछ अनुमानित है कि नहीं होगा कि केवल दो पे नहीं पकड़ते होते हैं। जी जी सर, कुंभ को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए कुंभ को लेकर जो उत्तर रेलवे के क्षेत्र हैं, हमारे तीन मुख्य क्षेत्र हैं प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या, इन तीनों में हम लोग जो पहले के एक्सपीरियंस को देखते हुए इस बार बहुत बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 12 साल के बाद कुंभ आया है और इस 12 साल में इन क्षेत्रों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारी उम्मीद है कि यात्रियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ेगी पहले के मुकाबले में। तो प्रयागराज में हमारे दो मेन स्टेशन हैं जहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा भीड़ हैंडल करते हैं, एक तो फाफामऊ है और एक प्रयाग जंक्शन है हमारा। फाफामऊ में हम लोग पिछले सालों में कभी कोई अरेंजमेंट नहीं करते थे और सारी ट्रेनें हम लोग प्रयाग जंक्शन से चलाते थे, तो पिछली बार कुंभ में हमने करीब 22 ट्रेनें चलाई थी वहाँ से। इस बार हम 36 ट्रेनें प्लान कर चुके हैं दोनों स्टेशन से मिला के, और हमारे पास कुछ और रेक हमारे पास रहेंगे कि अगर लोगों की तादाद बढ़ेगी तो हम लोग और भी हैंडल कर पाएंगे। इन दोनों स्टेशनों पर मिला के हमने करीब 70,000 लोगों के लिए होल्डिंग एरिया क्रिएट कर रहे हैं कि जब लोग आएंगे स्नान करके तो उनको टिकट लेने के बाद जो इंतज़ार करना हो वो एक कवर्ड शेड में और एक इस तरह व्यवस्थित तरीके से किया जाए कि लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं आएँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म में आने के बाद लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो हम लोग ये प्लान करेंगे कि हमारी ट्रेन जब स्टेशन पर आएगी तो वो दरवाजे बंद होकर आएगी, हमारा स्टाफ उसमें रहेगा, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी उसके दरवाजे खोलेंगे और तब हम एक ट्रेन के बराबर लोगों को लाइन से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से लेके जाएंगे जिससे कि ट्रेन में वो लोग सुरक्षा से बैठ पाए। इसके अलावा हम लोगों ने इस बार पहली बार एक अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो छोटे बच्चे साथ में हैं या कोई गाँव से लोग आते हैं जिनके पास गठरी होती है और बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए हर होल्डिंग एरिया में एक एरिया अलग से क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि एक तो वो लोग वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लें और जब उनको ट्रेन में बैठाएं तो सबसे पहले का जो डब्बा बिल्कुल सामने होगा डायरेक्टली हम पहले ले आकर उनको बैठा देंगे और उसके बाद हम और डब्बे भरेंगे। तो ये वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम दोनों स्टेशनों पर अपने मेडिकल सेटअप क्रिएट किया है, हम लोगों ने छोटे हॉस्पिटल बनाए हुए हैं जिसमें हम सारे इक्विपमेंट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट रख रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे हम अपनी एम्बुलेंस रख रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी 108 वाली एम्बुलेंसेज वहाँ पे रहेंगी। और इतने लोगों को नियंत्रित करने, उनको कायदे से ट्रेनों में बैठाने के लिए या कोई भी व्यवस्था करने के लिए दोनों स्टेशनों पे, जैसे मैंने पहले बताया था 1700 की बात कर, दोनों स्टेशनों पर मिलाते करीब 3700 लोग हम लोग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वहाँ पे। तो 3700 आदमी हमारे RPF के और कॉमर्शियल के आएंगे और वो इस भीड़ को नियंत्रित करेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि कोई असुविधा नहीं हो। लगभग कितनी भीड़ आ रही है? हम दोनों स्टेशनों पे मिला के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग करीब 50,000 से 70,000 आदमी डेली वहाँ पे जो मेन स्नान के दिन होंगे उसमें हैंडल करेंगे। कितने दिन चलता रहेगा ये काम? तो शुरू हो जाएगा आपको कुंभ शुरू होने से लेके और कुंभ के अंत तक चलेगा, लेकिन जो 6 मेन स्नान डेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास यात्री आते हैं वो मौनी अमावस्या के दिन आते हैं, और किसी भी स्नान का जो मुख्य दिन होता है उसके 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक का ये हमारा मेन पीक पीरियड होता है जिसमें लोग आते हैं, तो हम उस हिसाब से व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। फॉग पड़ने वाला, कोहरा पड़ेगा, उसके बाद ट्रेनें लेट होंगी, उसके लिए क्या करेंगे यात्री? फॉग के लिए एक तो कुछ ट्रेनें हम लोग वैसे भी 1 दिसंबर से कैंसिल करते हैं, कुछ ट्रेनें उसमें कैंसिल रहेंगी जो हर साल करी जाती हैं, वो पहले से अनाउंस रहती है। उसके अलावा जितने भी हमारे लोकोमोटिव्स हैं सबके अंदर फॉग सेफ डिवाइस लगा हुआ है जो कि ड्राइवर को ये बताता है कि सिग्नल आने वाला सिग्नल कितनी दूर है, उसको लिख के भी आता है और आवाज़ भी काफ़ी तेज़ आवाज़ में बताता है जिससे कि वो स्पीड को कंट्रोल कर लें, क्योंकि कोहरे के टाइम में ट्रेन चलाने में क्या स्पीड रहेगी इसे पूरा निर्णय ड्राइवर का होता है, उसको हम उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ड्राइवर देख के सिग्नल की लोकेशन, सिग्नल की कितनी दूर से विजिबिलिटी, उस हिसाब से डिसाइड करता है, तो उसको एक ये एड दे रहे हैं। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक ड्राइव चलाई है और अगले 10 से 15 दिन में हम लोग 2 जगह पर हमारे जो सिग्नल के पहले, एक तो 1200 मीटर पहले जहाँ पे कि सिग्नल बोर्ड होता है या डिस्टेंट सिग्नल होता है, और 270 मीटर पहले वाइट चूने की लाइन लगाते हैं जो बैलास्ट को इकट्ठा करके, उसकी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी होती है, तो ड्राइवर को पता लग जाता है कि अब सिग्नल आने वाला है,
तो ये सारी हम लोग तैयारियां ऑलरेडी कर रहे हैं कुंभ के बारे में। कुंभ के बाद अयोध्या काशी भी लोग आएंगे तो उसके लिए क्या स्पेशल तैयारियां? नहीं, इस बार जैसे पिछली बार हम लोगों ने अयोध्या के लिए कोई स्पेशल ट्रेनें हमारे यहाँ फापंगों से नहीं चलाई थी। इस बार हम लोग जो 36 ट्रेनें चला रहे हैं उसमें काफ़ी सारी ट्रेनें हम लोग अयोध्या के लिए चला रहे हैं, क्योंकि इस बार अयोध्या एक बहुत बड़ा काम हुआ है उस क्षेत्र में और लोग वहाँ जाएंगे, तो अयोध्या के लिए हम लोग काफ़ी ट्रेनें एक्स्ट्रा चला रहे हैं इस बार। और अयोध्या में जब लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे उसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने जब आस्था ट्रेनें चलाई थी तो वहाँ हमने ऑलरेडी होल्डिंग एरिया वगैरह क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ हमारे ऑलरेडी तैयारी है वहाँ पूरी हमारी। उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन बनाने जा रहे हैं, SNG क्या है? NSG 1। देखिए हमारे स्टेशनों की कैटेगराइजेशन होता है NSG 1, NSG 2, NSG 3, इससे NSG 6 तक होता है। फिर कुछ सब अर्बन स्टेशन होते हैं, जो सब अर्बन जहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है, जो बॉम्बे में मेनली। तो NSG 1 का मतलब होता है कि एक लिमिट के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसेंजर हमारे कहाँ पे आते हैं। तो उत्तर रेलवे में हमारे चार स्टेशन थे अब तक, चारों हमारे नई दिल्ली में थे। नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली के बारे पहला स्टेशन है NSG 1 स्टेशन हुआ है। NSG 1 स्टेशन का मतलब होता है कि इतने से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक हमारा दिल्ली के बाहर भी पहला स्टेशन हमारा हुआ है। और NSG 1 स्टेशन के हिसाब से जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, हम उस हिसाब से तैयारी में हैं और ऑलरेडी उस हिसाब से स्टेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। कुछ जो काम बचे हुए हैं छोटे मोटे, उसको हम लोग अभी फाइनल कर रहे हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म जैसे 5 नंबर अभी नया बना है, कुछ और यहाँ पे काम कर रहे हैं जो जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। वाराणसी ही बनेगा NSG 1? NSG 1 ऑलरेडी बन चुका है, इसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। NSG 1 इसका क्लासिफिकेशन है बेसिकली। प्रयाग में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? प्रयाग में जो स्टेशन एरिया में जो हम लोग हैंडल करते हैं उसमें हम करीब बताया मैंने, करीब प्रयाग और फाफॉर्म मिला के हमारे उत्तर रेलवे में हम 3700 करीब RPF और कॉमर्शियल स्टाफ लगा रहे हैं। और उसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे बहुत बड़े, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बहुत बड़े रेलवे तैयारी कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसेंजर प्रयाग जंक्शन पे आते हैं। तो हम तीनों जो जोन हैं उनके मिलकर रेगुलर मीटिंग होती हैं। पिछले हफ्ते भी हम तीनों जनरल मैनेजर के लेवल पे मीटिंग हुई थी, DRM और जनरल मैनेजर NCR, हम लोग और जो मेला अधिकारी हैं, इनके बीच में रेगुलर वार्ता होती रहती है और उसके हिसाब से सारी तैयारियाँ हो रही हैं पूरी तरीके से।